देखिए, जो पास्ट है, जो हमारे मिडिवल पीरियड है, उसे हम क्या कर सकते, अर्ली मिडिवल पीरियड, ओके, जो पीरियड स्टार्ट होते 700 से लेकर 1200 तक, देन आफ्टर दैट लेट मिडिवल पीरियड, जो स्टार्ट होते 1200 से लेकर 1700 तक, ओके. तो इस तरह से हम हमारे मिडिवल जो पास्ट है उसे हम क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज अर्ली मिडिवल पीरियड. द पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 700 टू 1200, ओके, इज कॉल्ड अर्ली मिडिवल पीरियड, ओके. एंड दिस मिडिवल अर्ली मिडिवल पीरियड स्टार्टेड विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हु वॉज द रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी इन द ईयर 647 सेंचुरी, ओके. 647 सेंचुरी में हर्षवर्धन का डेथ के साथ ही हमारे कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाते, अर्ली मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देखिए, हर्षवर्धन ने हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या करके रखा था, यूनाइट करके रखा था, ओके. उससे पहले हमारे इंडिया छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, ओके, विभाजित था. इसके वजह से हमारे, ओके, इंडिया क्या था, पावरफुल नहीं था. तो हर्षवर्धन के रेनिंग, ओके, पीरियड के टाइम से क्या स्टार्ट हो गए, पूरे छोटे छोटे जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ओके, सभी इंडिपेंडेंट स्टेट को हर्षवर्धन ने क्या किया, यूनाइट किया, यूनाइट करके एक बनाए थे, ओके. उसी के कारण से जब तक हर्षवर्धन रूल कर रहे थे तब तक हमारे नॉर्थ इंडिया पावरफुल था, ओके. एंड जो भी फॉरेन इन्वेडर्स है, ओके, उसके साथ भी वो लोग क्या कर सकते थे, टफ और स्टिफ, ओके, कंपटीशन और फाइट, ओके, कर सकते थे. लेकिन बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन द ईयर 647 सेंचुरी, फिर से हमारे नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे किंगडम में, ओके, छोटे छोटे स्टेट्स में क्या होने लगे, डिवाइड होने लगे. अब दिस वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, ओके. जो भी फॉरेन इन्वेडर्स है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ये क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया, ओके, क्योंकि छोटे छोटे, ओके, और स्मॉल स्टेट्स वहाँ पर है, स्मॉल स्टेट्स को, ओके, इजीली क्या कर पाएंगे, हरा पाएंगे, जीत पाएंगे, ओके. तो उसके वजह से बहुत सारे, ओके, फॉरेन इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए, कौन सा पीरियड में, 700 से लेकर 1200 के पीरियड में, ओके. एंड उसी के साथ साथ देखे पालास, प्रतिहारस, ओके, राष्ट्रकूतास, चोलास एंड राजपूत, ओके, ये जो भी है छोटे मोटे, ओके, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट काब आउट हो गए हमारे इंडिया में आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ इंडिया, ओके. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम द स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ साउथ इंडिया वॉज वेरी ऑलूफ और आइसोलेटेड, ओके, दे कुड नॉट बी, ओके, इन्वेडेड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स. दैट इज द फैक्ट. साउथ इंडिया में, ओके, जो भी छोटे मोटे, ओके, छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट्स थे, ओके, वहाँ पर कभी भी ज़्यादा आक्रमण और इन्वेजन्स नहीं हुआ, क्योंकि वो, ओके, सतपुरा एंड विंध्या रेंज के कारण से नॉर्थ से, ओके, वो क्या था, सेपारेट हुआ था, ओके. तो ये हो गया अर्ली मिडिवल पीरियड. सेकेंड वन इज लेट मिडिवल पीरियड, द पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1200 टू 1700. एंड इसी पीरियड के बीच, ओके, हमारी इंडिया में क्या भी शुरू हो जाते, द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, दैट मीन्स मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन आवर कंट्री, ओके. तो मुस्लिम रूल कैसे स्टार्ट हुआ है, विथ ए इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन्वेडर इन आवर कंट्री, लाइक सो मेनी मुस्लिम इन्वेडर, ओके, इन्वेडेड इन आवर कंट्री, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेडर्स They did not have any okay intention to rule in our country, okay. उन लोगों का कोई भी intention नहीं रहा है हमारे इंडिया में रूल करने के लिए. महमूद ऑफ गजनी हो गया, ओके. तो महमूद घोर का किंग है, ओके, अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे. सो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम्स, ओके, हु स्टार्टेड मुस्लिम रूल इन आवर कंट्री. एंड महमूद घोरी के साथ ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ओके, वो भी आए थे. ही वॉज अ स्लेव एंशियंट टाइम में.
ये सिस्टम हुआ करते थे। ओके, स्लेव, जो स्लेव है उसे किंग्स खरीदते थे। ओके, उसे ट्रेन करवाते थे एंड वार में ओके उन लोगों को लेकर जाते थे। तो इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मोहम्मद घोरी इंडिया में लेकर आए थे। ओके, फॉर ए रीजन मोहम्मद घोरी को वापस जाना पड़ा, इसीलिए इंडिया का और इंडिया में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके वो किसको छोड़ कर गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, उसके बाद मोहम्मद घोरी वापस नहीं आए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना खुद का डायनेस्टी स्टार्ट किया हमारे इंडिया में, जिसको हम बोलते स्लेव डायनेस्टी। ओके, वहीं से हमारी दिल्ली सुल्तानेट क्या हो जाते, स्टार्ट हो जाते। एंड दूसरा मुगल एम्पायर। ओके, मुगल एम्पायर भी लेट मिडिवल पीरियड में ही क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। उसके बाद देखिए, देयर आर डिफरेंट नेम ओके ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश को बहुत सारे नामों से क्या किए जाते, संबोधित किए जाते। जैसे भारतवर्ष इज ऑल्सो ए नेम विच इज ओके गिवन टू आवर कंट्री। भारत इज ऑल्सो अनदर नेम विच इज गिवन टू आवर कंट्री। ओके, आवर कंट्री इज ऑल्सो नन बाय अ नेम हिंदुस्तान। ओके, इंडिया इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ आवर कंट्री। सो दीज आर द ओके शॉर्ट और द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ओके, ये हम मिडिवल जो हमारी हिस्ट्री है ओके उसका शॉर्ट व्यू है। फर्स्ट था अर्ली मिडिवल पीरियड जो स्टार्ट हुआ था 700 से लेकर ओके 1200 तक चला। दूसरा लेट मिडिवल पीरियड जो स्टार्ट हुआ था 1200 से ओके एंड कब तक चला, 1700 तक। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ओके विभिन्न नाम जो हमारे देश को दिए गए थे और आज भी हम